कार्तिक आर्यन और ऋतिक रोशन दोनों ही फेमस बॉलीवुड एक्टर हैं और इन दोनों को ही एक्सपेंसिव कारें ओन करने का शौक है, लेकिन किसका कार कलेक्शन बेटर है आप डिसाइड करो, कमेंट करके जरूर बताओ। तो चलिए आज की वीडियो में इन दोनों के कार कलेक्शन को कंपेयर करेंगे, लेकिन इनके कार कलेक्शन से पहले इन दोनों को कंपेयर करते हैं। आज की तारीख में कार्तिक आर्यन की एज 33 ईयर्स, ये बॉलीवुड मूवीज में काम करते हैं और बहुत सी स्पॉन्सर एड भी करते हैं, जिसके चलते आज की तारीख में इनकी नेटवर्थ 250 करोड़ रुपीज और इनकी एज 33 ईयर्स। और अवार्ड्स की बात करें तो कार्तिक आर्यन के पास आज की तारीख में एक भी फिल्मफेयर अवार्ड नहीं है। वर्सेस ऋतिक रोशन एक फेमस बॉलीवुड एक्टर है और हाईएस्ट पेड एक्टर्स में भी इनका नाम आता है। आज की तारीख में इनकी नेटवर्थ 3,130 करोड़ रुपीज और इनके पास 6 फिल्मफेयर अवार्ड्स है, जिसमें से खाली 4 तो बेस्ट एक्टर के लिए इनको मिले हैं और इनकी एज 50 ईयर्स। इवन इनकी जो गर्लफ्रेंड है शाबा आजाद, उनकी एज 38 ईयर्स, यानी कि कार्तिक आर्यन से वो भी 5 साल बड़ी है। तो अब देखते हैं इन दोनों के कार कलेक्शन में बेटर कार कलेक्शन किसका है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कार्तिक आर्यन के कलेक्शन में नंबर 5 पर आती एक ब्लैक कलर की BMW 520D। ये कार्तिक आर्यन के कलेक्शन की फर्स्ट लग्जरी कार थी। इस कार को कार्तिक आर्यन ने सेकंड हैंड परचेस्ड किया था। ये एक 2016 मॉडल है। इस कार की उस टाइम कॉस्ट थी 54 लाख रुपीज, लेकिन सेकंड हैंड होने के बाद इस कार की कॉस्ट हो गई लगभग 32-35 लाख रुपीज। इस कार में 2 लीटर इनलाइन 4 सिलेंडर डीजल इंजन मिलता है, जो 231 किलोमीटर पर आर और 0-100 किलोमीटर का एक्सेलरेशन 7.7 सेकंड में कवर कर सकती है कार। इनके कलेक्शन में नंबर 4 पर आती मिनी कूपर एस कन्वर्टेबल। ये इस कार को ग्रीन कलर में ओन करते हैं और स्पेशली उन्होंने ये कार उनकी मदर के लिए परचेस्ड करी थी। इस कार को इन्होंने 23 जनवरी 2020 में परचेस्ड किया था और इस कार की कॉस्ट है 51.50 लाख रुपीज। इस कार में 2 लीटर इनलाइन 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है। इस कार की टॉप स्पीड है 228 किलोमीटर पर आर और 0-100 किलोमीटर का एक्सेलरेशन 7.1 सेकंड में कवर कर सकती है कार। इनके कलेक्शन में नंबर 3 पर आती इनकी मोस्ट फेवरेट कार, मोस्टली इसी कार में ट्रैवल करते हैं, लैम्बोर्गिनी यूरस पर्ल कैप्सूल एडिशन। इस कार को इन्होंने एयरलिफ्ट करवाया था। बहुत से आर्टिकल के अकॉर्डिंग इस कार की कॉस्ट है 4.5 करोड़ रुपीज। इस कार को इन्होंने अप्रैल 2021 में परचेज किया था। इस कार में 4 लीटर ट्विन टर्बो चार्ज V8 पेट्रोल इंजन मिलता है। इस कार की टॉप स्पीड है 305 किलोमीटर पर आर और 0-100 किलोमीटर का एक्सेलरेशन 3.6 सेकंड में कवर कर सकती है कार। इनके कलेक्शन में नंबर 2 पर आती इनकी न्यूली परचेज्ड सबसे महंगी SUV लैंड रोवर रेंज रोवर SV 4.4 LWV पेट्रोल। इस कार की ऑन रोड कॉस्ट है 5.26 करोड़ रुपीज और इस कार को कार्तिक आर्यन ने 14 मार्च 2024 में परचेस्ड किया है। इस कार को इन्होंने टेस्ट ड्राइव पर मंगाया था इनके मदर के बर्थडे के दिन और इसके बाद इन्होंने इस कार को खरीदने का फैसला लिया है। इस कार में 4.4 लीटर V8 पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 523 bhp और 750 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इस कार की टॉप स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर और 0-100 किलोमीटर का एक्सेलरेशन 6.3 सेकंड में कवर कर सकती है कार। और इनके कलेक्शन में सबसे महंगी कार है, जिस कार को भूषण कुमार ने इनको गिफ्ट दिया था बुलबुलैया 2 की सक्सेस के बाद। इस कार का नाम है मैक्लारेन GT और कार्तिक आर्यन पहले बॉलीवुड एक्टर बने जिन्होंने मैक्लारेन GT को परचेज किया था। इस कार की ऑन रोड कॉस्ट है 5.34 करोड़ रुपीज। इस कार में 4 लीटर का 90 डिग्री माउंटेड V8 पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 612 bhp और 630 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इस कार की टॉप स्पीड है 316 किलोमीटर पर आवर और 0-100 किलोमीटर का एक्सेलरेशन 3.2 सेकंड में कवर कर सकती है कार। तो चलिए अब ऋतिक रोशन का कार कलेक्शन भी देख लेते हैं। इनके कलेक्शन में नंबर 7 पर आती मिनी कूपर एस कन्वर्टेबल। ये इनके कलेक्शन की सबसे सस्ती कार है और ये इस कार को ब्लू कलर में ओन करते हैं। इस कार की भी कॉस्ट है 51.50 लाख रुपीज। कार में भी सेम 2 लीटर इनलाइन 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 228 किलोमीटर पर आर की टॉप स्पीड और 0-100 किलोमीटर का एक्सेलरेशन 7.1 सेकंड में कवर कर सकती है कार। इनके कलेक्शन में नंबर 6 पर आती मर्सिडीज की तरफ से आने वाली मर्सिडीज बेंज GLE 300D फॉर्मेटिक। ये इनके कलेक्शन की सबसे सस्ती मर्सिडीज है। इस कार की ऑन रोड कॉस्ट है 1.15 करोड़ रुपीज। इस कार को ऋतिक रोशन ने 27 सितंबर 2021 में परचेज किया था। इस कार में भी 2 लीटर इनलाइन 4 सिलेंडर डीजल इंजन मिलता है। इस कार की टॉप स्पीड है 230 किलोमीटर पर आर और 0-100 किलोमीटर का एक्सेलरेशन 6.9 सेकंड में कवर कर सकती है कार। इनके कलेक्शन में नंबर 5 पर आती है मर्सिडीज बेंज वी क्लास V220D। मोस्टली ऋतिक रोशन इसी कार में ट्रैवल करते हैं और इनके पास ऐसी 2 गाड़ियां हैं, एक तो है ब्लू कलर में और एक तो है व्हाइट कलर में और सिंगल कार की कॉस्ट है 1.32 करोड़ रुपीज। ये कार 2019 में लॉन्च हुई थी इंडिया में और 2022 में ये कार डिसकंटिन्यूड हो गई है। अभी तक कोई भी नया मॉडल लॉन्च नहीं किया है मर्सिडीज ने, लेकिन ये सेलिब्रिटीज की फेवरेट कार थी। बहुत से सेलिब्रिटीज इस कार को ओन करते हैं। इस कार में 2 लीटर इनलाइन 4 सिलेंडर OM 654 डीजल इंजन मिलता है,
जो 191 किलोमीटर पर आर की टॉप स्पीड और 0 टू 100 किलोमीटर का एक्सेलरेशन 11.1 सेकंड में कवर कर सकती है कार। इनके कलेक्शन में नंबर 4 पर आती मर्सिडीज की तरफ जाने वाली मर्सिडीज मायबाक S500। ये इनके कलेक्शन की सबसे लग्जरियस मर्सिडीज है। इस कार की कॉस्ट है 1.86 करोड़ रुपीज। इस कार में 4.7 लीटर V8 पेट्रोल इंजन मिलता है जो 250 किलोमीटर पर आर की टॉप स्पीड और 0 टू 100 किलोमीटर का एक्सेलरेशन 4.8 सेकंड में कवर कर सकती है कार। इनके कलेक्शन में नंबर 3 पर आती है सुपर कार एस्टन मार्टिन रैपिड एस। इस कार की कॉस्ट है 3.29 करोड़ रुपीज और रेयरली ऋतिक रोशन इस कार में ट्रैवल करते हैं। कार में मैसिव 6 लीटर V12 पेट्रोल इंजन मिलता है जो 303 किलोमीटर पर आर की टॉप स्पीड और 0 टू 100 किलोमीटर का एक्सेलरेशन 4.9 सेकंड में कवर कर सकती है कार। इनके कलेक्शन में नंबर 2 पर आती इनकी रिसेंटली परचेज्ड लैंड रोवर रेंज रोवर SV। इन्होंने भी कार्तिक आर्यन जैसे सेम कार परचेज किए, लेकिन इन्होंने 4 सीट का ऑप्शन चूज किया इस कार में जो होती है एग्जीक्यूटिव सीट्स, और इन्होंने रियर में कंसोल और फ्रिज का ऑप्शन भी सेलेक्ट किया है, जिसके चलते इस कार की कॉस्ट थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। 5.30 करोड़ रुपीज़ में ये कार आती है। इस कार में सेम 4.4 लीटर V8 पेट्रोल इंजन मिलता है जो 523 bhp और 715 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इस कार की भी टॉप स्पीड है 250 किलोमीटर पर आवर और 0 टू 100 किलोमीटर का एक्सेलरेशन 6.3 सेकंड में कवर कर सकती है कार। और इनके कलेक्शन में नंबर 1 पर आती है सबसे लग्जरियस सेडान रोल्स रॉयस गोस्ट। ये इस कार का ओल्ड मॉडल ओन करते हैं, लेकिन फिर भी ये कार इनके कलेक्शन की सबसे महंगी कार है। इस कार की ऑन रोड कॉस्ट है 7.5 करोड़ रुपीज। ये इस कार को ब्लू और सिल्वर कलर में ओन करते हैं, और इनके कलेक्शन में सबसे बड़ा इंजन भी इसी कार में आता है। इस कार में 6.6 लीटर ट्विन टर्बो V12 पेट्रोल इंजन मिलता है जो 250 किलोमीटर पर आर की टॉप स्पीड और 0 टू 100 किलोमीटर का एक्सेलरेशन 4.8 सेकंड में कवर कर सकती है कार। तो गाइज, आपको ऋतिक रोशन वर्सेस कार्तिक आर्यन में से सबसे अच्छा कार कलेक्शन किसका लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच गाइज़।